पार्किंग एरिया। देखो पीछे के साइड में इलेक्ट्रिक बाइक है, आपको बैठना है तो ये फवारा माउंटेन, ये देखो इधर ये साइड से फवारा है, दिख रहा है उस साइड से फवारा है। इंडिया की राजधानी को आए हैं हम दिल्ली। नहीं नहीं कान हमारे बहुत क्लियर है, कान देखने महाराष्ट्र से दिल्ली हम कान देखने के वास्ते आए। कुछ ही हुआ था कान का माइल निकाल दो बोले, ये भी कोई बात हुई बोला। देखो ये गार्डनिंग एरिया पूरा का पूरा इन फ्रंट ऑफ दिल्ली गेट। फिर हम टनल से होते हुए नीचे से जाएंगे, आप फिर थोड़ा घूमेंगे, फिर दिल्ली गेट आपको बताता हूँ मैं करीब से कैसा दिखता है, मज़े का दिखता है कैसा दिखता है। साइड में ये है नीचे का टनल, पार्किंग से सीधा दिल्ली गेट के तरफ के रोड पे निकलेगा ये, वहाँ से हमको और फिर दिल्ली गेट जाना है। ये देखो यहाँ से भी आ सकते हैं लोग, ऊपर के साइड से दोनों साइड से आते हैं लोग। बहुत खूबसूरत इमारत बनाई है यहाँ पर, अंडरग्राउंड टनल्स बनाए हैं, ऊपर से ट्रैफिक जैम नहीं होता इससे। तो हम निकल गए वो टनल से सीधा, आ गए हम दिल्ली गेट के पास में। ये इधर भी कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हुआ है इंफॉर्मेशन के लिए, और वो जो है वो तो ट्रॉफिक की वजह से उन्होंने बीच में से नीचे से टनल बना दी। और देखो ये है इंडिया गेट, इंडिया ज्ञान बान शान, इंडिया गेट इन दिल्ली। देखो इंडिया गेट का पोज लुक आपको बताते हैं। ये देखो पिलर्स बने हैं वन साइड से टू साइड से, ये देखो इंडिया गेट। हम थोड़ा क्लोज जाते हैं, क्लोज देखते हैं कारीगरी कैसी की गई है। हमारा काम यही है देखना कारीगरी बराबर हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। ऊपर लिखा है इंडिया, बाकी का आपको मैं बैक कैमरे से बताता हूँ क्या क्या लिखा है। तो वहाँ पे गार्डनिंग करिए, गार्डनिंग है, लोग फोटोज खींच रहे हैं। वहाँ पर हमारे फौजी जवान भी खड़े हैं, वीर शूर वीर। गार्डनिंग उस साल गार्डनिंग करी, गार्डनिंग ये पूरे रोजेस लगाए हैं, उधर मिलिट्री के जवान खड़े हैं। और ये इंडिया गेट बहुत बड़ा है, कैमरे के अंदर दिख रहा है, पर ये इसका एक्चुअल साइज देखना है ना, तो वहाँ पर से लोग आ रहे हैं वो देखो, उससे कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो, बहुत बड़ा है। ऊपर इंडिया लगा है, लिखा है प्राउड टू बी इंडियन, और वो साइड में जवान जय जवान जय किसान के एक स्टैचू लगा है, वो हमारे सेना के जवान खड़े हैं। इस साइड में प्रोग्राम था कुछ दिन पहले, वहाँ पे वीर स्मारक बनाई है सुभाष चंद्र बोस की। और इस साइड देखो ये है पीछे के साइड का एरिया हमारा, इंडिया गेट का पीछे के साइड का एरिया। अब हम चलते हैं सुभाष चंद्र बोस की जो स्मारक बनाई है
यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ इंडिया गेट। तो देखो साइड से यहाँ पे स्मारक बनाई है एग्जैक्टली सामने इंडिया गेट के, बहुत बढ़िया है स्मारक, ब्लैक इसमें बनाई है पूरी पूरी। पहले यहाँ पे मशाल भी थी, मशाल जो थी इंडिया गेट के अंदर मशाल जलाते थे वो फायरवर्क के अंदर, पर वो क्या हो गया उसके बाद में उन्होंने बंद कर दिया उसका रिनोवेट कर, रिनोवेशन के बाद में उन्होंने वो मशाल ही बंद कर दी। अभी गार्डनिंग एरिया है, गार्डनिंग के एरिया के बाद में ये रोड साइड, रोड साइड के बाद में ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू, सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू है, स्टैचू है सामने, और पार्लियामेंट अभी पीछे की साइड में, सीधा सीधा गए तो पार्लियामेंट है यहाँ से सीधा एग्जैक्ट सामने, ये नहीं दिख रहा है गेट, सीधा गए और पार्लियामेंट। माउंटेन्स भी है, फवारे, फवारे अभी भी शुरू है यहाँ पर के, बहुत बढ़िया फवारा है लेफ्ट साइड में, और फवारा भी मिलेगा तो फवारा, अब पीछे साइड में फवारा, यह है दिल्ली गेट।